कुमार राय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्याना दिना ही मैं आज एक छोटी सी न्यू वीडियो के साथ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, देश प्रदेश में रहने वाले मेरी जो यूट्यूब फैमिली के, अल्लाह ताला उनको अपनी जमान में रखे। अच्छा जी, आज देखेंगे आप कि न्यू जगह है, न्यू किचन है। न्यू किचन किसे ये है कि जो है, मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भी एक माह पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि मेरा जो मूड है ना वो हो गया खराब, उसको पता नहीं क्या मसला हो गया, उसके अंदर से ना कुछ गिरता रहता है। वो आज कल की बेटी लगी हुई है रात की, तकरीबन कुछ उसने रात को साफ किया था कुछ, मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखें वो काम कर रही है। और रात को भी मैंने थोड़ा सा उसका जो है ना छोटा सा चार्ट लिया था, उसने सारी चीज़ें बखार के रखी हुई हैं जो कि बूट को पूरा उसने ना खोल के रखा हुआ है। अच्छा जी, आपने वो नहीं देखना, आज मैं बना रही हूँ इधर बैठ के ना दाल और चावल, चने की दाल ये देखें, और साथ में बना रही हूँ चावल बनाऊँगी। वो चावल मेरे पास पड़े हुए, सारी चीज़ें मैंने अपने साथ रखी हुई हैं, रस मैंने अपने जो है ना कहते हैं ना कि डाला हुआ बहुत ज़्यादा। इसके बाद काम जो है ना वो मैंने शुरू किया है, तो सारे तरह वीडियो बनाऊंगी, बीच में से जो वीडियो बनाऊंगी ना आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कर दें। आज की मेरी जो है रेसिपी वो मैं बना रही हूँ, मैंने पहले ही आपको बता दिया दाल और चावल। अच्छा जी, तो ये देखिए जी, प्याज मैंने फ्राई कर लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया टमाटर, साथ में दाल जो है उबालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी इसके अंदर डालते हैं कुछ स्पाइसी, ये देखिए मैं डालूंगी नमक मिर्चें, और ये देखिए जी भून रहा है। शोर आज बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाइक से भी शोर आ रहा है और इधर से भी शोर आ रहा है। सपना ने साथ में जो चीज़ें शुरू की हुई है काम, वो भी नज़र आ रहा है, आवाज़ें आ रही है आपको। तो आज आपने आवाज़ों पे नहीं फोकस करना, आज आपने करना है मेरी वीडियो पे, क्योंकि आज मैं शाम की रूटीन भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और घर जो है ना बिल्कुल माशाल्लाह नीट क्लीन है, सारा दिन आज आना कल के लगे हुए हैं, घर की सफाइयाँ वगैरह कर करके ना खाते हैं, बहू चली गई है मैके। और इसके बाद मैं और सपना सहरा तीनों बंदे जो है ना घर के काम आज कल हमें मशरूम है, क्योंकि आपको एक और बात है जो कि आपके साथ शेयर करने वाली है, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो भी करूँगी। आपको पता भी है ये, दुआ करिएगा अल्लाह खैर करे, जिनको बताए वो तो समझते होंगे, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँगी, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं बताऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखिए जो इसका ना आयल वगैरह ऊपर जा रहा है ना, तो इसकी वजह से ये देखिए, अगर उधर हुड पे होता ना तो बिल्कुल नहीं था इसका पता चलना कि घर में हांडी बन भी रही है या नहीं। अभी नहीं ना इधर तो इधर बैठ के ना छींके भी आ रही है और साथ साथ जो है ना आयल भी उड़ रहा है। अच्छा जी, मैंने ना जो है ना काम काट दी थे, गर्मी में बहुत बुरा हालात है, जैसे कि बंदा क्या करे, खाना बनाना मुश्किल हो गया है और ऊपर से ये छोटे मोटे जो काम होते हैं घरों के, ये बहुत मुश्किल होते हैं। तो आज मैंने सारा किचन ये देखे सारा एकदम निखार के रखा हुआ है, और ये देखे हुड का जो है ना जिसको क्या कहते हैं जाली, इतनी साफ हुई है ना माशाल्लाह, ये देखिए। अच्छा जी, मसाला जो है ना मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है, अभी इसके अंदर डाल देते हैं जो मैंने दाल को उबाल लिया था, ये देखें तो पानी इसके अंदर ज़्यादा है क्योंकि मैंने बनानी है चावलों के साथ, तो अगर ज़्यादा भी हुआ तो कुछ काट देंगे, अभी तो जो है ना ज़्यादा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं दूसरी जगह पर जा के कुछ काम करें ना। थोड़ा जैसा मैं भी पा ला वीडियो ही, थोड़ा जैसा पा ला चौखा ही देखी
ये पानी नहीं आई तुझे मेरा पानी। अच्छा जी, तो ये देखे सारा मैं सेटअप आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आप ये ना समझे कि इधर क्यों शुरू किया हुआ है। बेटी लगी हुई है, दो दिन हो गए हैं सारे किचन की आज सफाई जो है ना उसने की है, और आटा भी आ गया है जो है वो भी मैंने इधर रखा हुआ है, अभी वो भी डालना है उसके अंदर ड्रम के अंदर। इधर मैंने रखी हुई है दाल और साथ में चावल, काम माशाल्लाह जो है ख़त्म हो गया है, अभी जो है खाना भी बन जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना उधर ही सारा सेटिंग दे जाएंगे। तो ये आटा जो है ना अभी गर्म था, तो मैंने सोचा कि चले जो है ना बाद में खा लेते हैं। तो ये हांडी मैं बना रही हूँ, ये देखें दाल चावल, दाल चावल बना रही हूँ। दाल के जो है ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी हो जाएगा कुछ अभी इंशाल्लाह। फिर सारी चीज़ें मैंने इधर बुखारी हुई हैं क्योंकि उधर जगह ही नहीं है। ये भी पकड़ लो, ये फ्राक क्यों रखी है? ये फ्राक उस दिन की इधर ही पड़ी हुई है सालगिरह वाले दिन की, अभी इसको छत पे लेके जाना है। तो ये जो है ना उसका कवर आ गया वाश होके, तो सारी चीज़ें मैंने इधर ही अपनी जो है ना आज दिखा सारी रखी। अच्छा जी, तो ये देखे जी किचन तो हो गया माशाल्लाह नीट क्लीन, और गुड की तो क्या ही बात है। आज तो ना मुझे ना एक पूरा हजार लाइक होना चाहिए बेटी की तरफ से क्योंकि मेरा काम जो है ना आज माशाल्लाह सपना ने कर दिया है। तो किचन की तरफ से ना एक अवार्ड होना चाहिए, बहुत ही माशाल्लाह नीट क्लीन। और बस रह गया नीचे वाले कैबिन, वो मैं इंशाल्लाह कल करूंगी। ये देखे थोड़ा सा इसमें काम है क्योंकि राशन लेके आने वाला है ना, तो जब वो लेके आऊंगी ना फिर इंशाल्लाह जो नीचे का काम है वो मैं खत्म कर दूंगी। अच्छा जी, उसने ना सरफ डाल दी थी थोड़ी सी, तो कहती है कि मामा बाकी का काम आप देख लें, थक गई है बाकी मैं रात भी कल की लगी हुई है। मैं ऐसा करती थी कि वो जो है ना बंदा मंगवा के ना, जैसे वो नहीं होता एसी वाला, उसी तरह ये भी एक हुड साफ करने वाला भी बंदा मिलता है, तो वो भी 1000 रुपया लेता है। आपकी तरफ 1000 रुपया भी बच गया और काम भी माशाल्लाह खुद किया है ना, तो उसका मजा भी आया है, क्योंकि आपको पता है जो बंदा काम खुद करेगा ना उसका तो काम कुछ और है ना। अच्छा जी, तो ये देखें जी चावल मेरे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और सारा काम भी माशाल्लाह ख़त्म हो गया है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी फूड भी जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नीट क्लीन हुआ है। आज तो मज़ा आ गया देख के ना, दिल खुश हो गया। काफ़ी दिनों से ये मुझे बहुत तंग कर रहा था और थोड़ा सा मुश्किल उधर हुआ है खाना बनाना, लेकिन बाकी का काम जो है ना माशाल्लाह बड़ा परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, तो चलते हैं हाल में जाके खाना खाते हैं, और जिस जिसने खाना है सो बिस्मिल्लाह ये खाइए मिलके। अभी जो है ना ये देखे माशाल्लाह नीट क्लीन हो गया सारा मेरा किचन आज, क्योंकि आप कहते होंगे कि बाकी के काम तो बड़े करते रहते हैं, ये वाले काम जो है ना ये कब से छोड़ा हुआ था, तो ये भी आज माशाल्लाह नीट क्लीन हो गया। इसी के साथ ही जो ना चलते हैं खाना डालते हैं और सब मिल के खाते हैं। जी तो ये देखे जी आ गई हूँ मैं टेबल पे, और बच्चे जो हैं वो सारे रेडी हैं। मैंने इनको बोला कि चलें जी सबसे पहले जो है ना, ये मुझे तो लगी हुई है भूख, तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ, फिर आप भी आ जाएं। मियाँ साहब भी तैयार हो गए हैं खाने के लिए, आ रहे हैं। तो ये देखें जी कुछ इस तरह आज, अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।